तो अब कुंसी के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन जी ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं ये भी लॉन्ग में आ सकता है वैसे ठीक है तो हेडिंग वाइज अपन देखते हैं चले इंट्रोडक्शन देखते हैं इट इज़ मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ निजो ठीक है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑरिजन क्या है इस्फिनो पैलेटाइन फोराम तो इसकी लोकेशन देख लो कि इस्सिनो पैलेटाइन फोराम कहाँ पर होता है ठीक है फिर और अगर हो सके तो इनमें से जो भी ईजी डाइग्राम लगे वो बना लेना फिर अब स्पिनो पैलेटाइन फोरम मैंने थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ पर होता है और तब भी बता देता हूँ ये मिडिल मिडिल टर्नेट है ना उसके थोड़ा पीछे होता है और ऐसा देखा जाए इसके मीडियली नोज़ और नेजल कैविटी रहेगी ठीक है और लेटरली अपने क्या रहेगा इन्फ्राटेम्पोरल फोसा ये सब रहेगा टेरिको पैलेटाइन फोसा रहेगा ठीक है थीके? बाकी सब नॉर्मल समझने के अब देखो इंट्रोडक्शन में थोड़ा और कि इट कैन ग्रोज

तो जो कि किसके कारण होता है हॉर्मोन्स में एक्ट एज अ ट्रिगर फैक्टर जो हॉर्मोन्स हैं वो ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करते हैं जो एंड्रोजन है तो ये एजोफाइब्रोमा को बढ़ाता है ठीक है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हेडंग आती है पैथोलॉजी ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर और फाइब्रस टिश्यू कम्पोनेंट है ना वेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू कम्पोनेंट रहेगा और जो वेसल्स रहेंगी उसमें मस्कुलर कोड जो है वो डिफिशियेंट रहेगा मस्कुलर कोड जो रहेगा रहेगा रहेगास एनेबिलिटी टू कॉन्टेक्ट अगर उसमें मस्कुलर कोड नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी ठीक है तो दो पॉइंट होगा ट्यूबुलर ट्यूमर कॉन्सिस्ट ऑफ वेस्कुलर एंड फाइब्रस टिश्यू कंपोनेंट्स और वेसल्स हैव डेफिशियंट मस्कुलर कोड एंड हेंस इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो हिस्टोपैथोलॉजिकली जो एंडोथेलियल लेयर लाइन वेस्कुलर स्पेसिस एंड फाइब्रस टिश्यू स्ट्रोम एंड तो वो डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा है ना फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर में क्लिनिकल फीचर में देखते हैं सबसे पहले ये मेल्स में प्रेजेंट होता है ठीक है प्रीडोमिनटली तो कैसे प्रेजेंट करेगा ए फिफ्टीन ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटिंग विद उसमें सबसे पहले यूनिलेटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखेगा रिकरेंट मैसि नोज ब्लीड दिख रहा है एंड स्वेलिंग ओवर चीक ठीक है तो ये तीन चीज तीन ती फीचर मिलेंगे यूनिलेटल नोजल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मैसि नोज ब्लीड एंड स्वेलिंग ओवर चीक ठीक है तो ये जो तीन फीचर है वो क्या होते हैं पैथोकोनोमिक ऑफ नेजोफेन्ेंजल एनजो ठीक है फिर नेक्स्ट आता है कि वही लाइन से लिख लेते हैं टेन टू ट्वेंटी ईयर मेल्स में ज़्यादातर मिलेगा यूजल प्रेजेंटेशन इज रिकरेंट मैसिव नोज ब्लीड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है चेंज ऑफ वॉइस हो जाएगी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है प्रोप्टोसिस और फ्रॉक फेस डिफॉर्मिटी इफ ऑर्बिटल एक्सटेंशन अगर वो ऊपर तक चला गया ऑर्बिट तक तो फ्रॉक फेस या फिर प्रोप्टोसिस मिलेगी अपन को फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व ठीक है तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करता है तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर ना में -में है ना मेन मेन यही याद कर लेना कि यूनिटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है मैसेम नोज ब्लीड होती है चेंज ऑफ वॉइस हो गई और कंडक्टिव हियरिंग लॉस है प्रोप्टोसिस है ना ठीक है ये सब सिम्टम्स याद होने चाहिए फिर डायग्नोसिस में लगनेस में क्या कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट और अपन को एक चीज़ याद रखनी कि बायोप्सी अपन इसमें कभी भी नहीं करते अगर कर बायोप्सी अपन ने करी थोड़ी सा अगर मेजर कट या फिर कुछ भी हो गया रक्च्चर होगी वैसे तो ब्लीडिंग रोकना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है तो बायोसी शुड नेवर बी डन इन सस्पेक्टेड केसेज बिकॉज इट मे कॉज एक्सटेंसिव ब्लीड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है इसलिए अपन नहीं करते हैं फिर एक्सरे सॉफ्ट टिशू नेजो, नेजो फेरिंग्स करते हैं सि स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं सी स्कैन एम ठीक है हाँ सी स्कैन में अगर सी स्कैन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और इसमें हॉलमैन मिलर साइन दिखता है ठीक है तो डायग्नोसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते हैं बायोप्सी नहीं करते हैं और सीटी स्कैन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और इसमें क्या मिलेगा हॉल मिलर साइन मिलेगा फिर आते हैं रेडक्रॉस की क्लासिफिकेशन में ठीक है तो इसमें यही इसका क्लासिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है सबसे पहले स्टेज मीडियल स्प्रेड बीच में कहाँ पर जाता है नोज के पास जाता है तो लिमिटेड टू नोज रहेगा तो वन ए और एक्सटेंशन टू वन और मोर साइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वन भी ठीक है वन जो है मीडियल स्प्रेड के लिए फिर टू जो है लेटल स्प्रेड के लिए तो टू ए टू बी टू सी तो मिनिमल एक्सटेंशन टू स्पिनो फोसा टू ए टू बी में ऑक्यूपेशन ऑफ एंटायर स्पिनो तो पूरे में भर गया तो टू बी और इन्वॉल्व इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा तो टू सी हो जाएगा मिनिमल एक्सटेंशन फिर उसके बाद पूरी तरीके से स्पिनो फोसा में भर जाए और थ्री सी में टू सी में क्या होगा कि वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा तक ही चला गया फिर थर्ड में इंट्राक्रेनियल स्प्रेड होता है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इरोजन ऑफ स्कल बेस ठीक है और थ्री बी में क्या है एरोजन ऑफ स्कल बेस विथ एक्सटेंसिव इंटर एक्सटेंशन ठीक है वहाँ पर स्कल बेस में एरोजन हो रहा है थ्री ए वाले में और थ्री बी वाले में इंटरक्रेनियल एक्सटेंशन भी हो गया है ठीक है तो ये याद रहेगा वन में क्या है मीडियल स्प्रेड टू में लेटरल स्प्रेड और थ्री में क्या है इंटरक्रेनियल स्प्रेड बस फिर अब ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट सब में सबसे पहले मेल्स में ज्यादा हो रहा था हार्मोन की वजह से तो हार्मोनल थेरेपी विद एंटी एंट्रोजन टू रिड्यूस साइज ऑफ ट्यूमर है ना एंटी एंड्रोजन को सब्सटेंस दे देंगे जैसे कि ट्यूमर का साइज कम हो जाए फिर रेडियोथेरेपी नेवर भी फर्स्ट चॉइस बिकॉज इट कैन इंड्यूस सेकेंडरी ट्यूमर तो रेडियोथेरेपी फर्स्ट चॉइस नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी ट्यूमर को इंड्यूस कर सकती है फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में आते बिफोर एक्सीजन एम्बोलाइजेशन मस्ट बी डन सर्जरी के पहले एक्सीजन करने के पहले अपन को एम्बोलाइजेशन करना होगा तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जैसे अपन इसमें सर्जरी कर सकते हैं सबसे पहले ट्रांसपैलेटल ट्रांस अप्रोच है जो कि सार्डाना अप्रोच इसको बोलते हैं तो अपन इसमें क्या करते हैं इन इज मेड बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट ठीक है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के बीच में इन बनाते हैं और उसको रिटेक्ट करते हैं फिर जो है उसके नीचे से अपन नेजोफेरिंग्स देखते हैं ठीक है तो ये वाला हो गया तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपैलेटल अप्रोच ऐसी ही लेटल राइनोटॉमीज है वेबर फर्ग्यूजन इन देखा ही है फेशियल डीग्लविंग अप्रोच ठीक है इन सब अप्रोच से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये था अपना एनजोफाइब्रोमा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है ठीक है मेन मेन जो था वो कवर कर दिया इसमें सारे क्लिनिकल फीचर इंट्रोडक्शन पैथोलॉजी सारा कवर हो जाएगा इससे थैंक यू